देहरादून में दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि FRI परिसर में 8 और 9 दिसंबर को आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट की तैयारियां का CM धामी ने जायजा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों पर फोकस किया जा रहा है, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। CM धामी ने कहा कि इस आयोजन से जुड़े जितने भी काम हैं उन्हें जल्द ही पूरा कर लिए गए हैं। अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। परिसर में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हमारा जो मीडिया के बंधु हैं आप सब लोग, आपका भी जो है इसमें इन्वेस्टर्स मीट को सफल बनाने में, इसके प्रचार प्रसार में, लोगों तक यहाँ की बात पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान है। और ये सेंटर का भी आज यहाँ पर उद्घाटन हो गया है, वो लगातार चलेगा। अन्य तैयारियाँ भी चल रही हैं, सभी तैयारियां कल तक पूरी हो जाएंगी। शहर के अंदर सड़कों का काम भी तेज़ी से चल रहा है, दीवारों पर लेखन और पेंटिंग्स, यहाँ की फसाद, ये हमारे लिए हर प्रकार से मौका है। जहाँ इन्वेस्टमेंट आना, यह भी हमारे लिए एक बड़ा मौका है उत्तराखंड राज्य के लिए। यहाँ रोजगार सृजन होना, वो भी मौका है। इसके साथ साथ शहर का सौंदर्यीकरण हो।